अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, किस तरह काम करती है और इसमें कैरियर के हवाले से कौन कौन से शोबे हैं और कौन सा शोबा क्या काम करता है। नफ्सियात जो है वो इंसान के किरदार का मुतालिया करती है। किरदार से मुतालिक इंसान का हर वो पहलू है जो किसी न किसी तरह ज़हनी और जिस्मानी फंक्शंस के मुतालिक हो। इंसानी किरदार बहुत पेचीदा है, इसको किसी एक असूल पर समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नफ्सियात के तय करदा असूलों और नज़रियात के ज़रिए इंसान के किरदार को समझा जा सकता है, इंसान के किरदार की पेचीदगियों को समझा जा सकता है। साइकोलॉजी ये देखती है कि इंसान की उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाले तगैयुरात या तब्दीलियाँ, उसमें इंसान में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको देखा जा सकता है। साइकोलॉजी इंसान को अपने माहौल से एडजस्टमेंट करना सिखाती है। ज़िंदगी के हर शोबा में इंसानों को जो मसाइल दरपेश होते हैं उनको हल करके उनको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लाती है और लोगों की मदद करके उनको मशवरा देकर उनके किरदार में खुशगवार और मुस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। नफ्सियात का इस्तेमाल और इसका इम्प्लीमेंट हर जगह पर होता है। घर, स्कूल, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कारखाने, फौज, यानी जहाँ जहाँ पे इंसान काम करता है वहाँ वहाँ पे साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड्स कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से शोबे हैं अगर कोई साइकोलॉजी को एज अ कैरियर ज्वाइन करना चाहे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। अब हर फील्ड और कैरियर को हम फर्दर एक एक करके डिफ़ाइन करेंगे और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।